सभी सम्मान किसान भाइयों को नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं, मैं डॉक्टर राजेश चंद्र वर्मा कृषि विज्ञान केंद्र आकुशपुर गाजीपुर का अध्यक्ष हूं तथा पादप रोग विज्ञान का विशेषज्ञ हूं। तो इसी विशेषज्ञता के अंतर्गत मैं सरसों में लगने वाले रोगों के बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करूँगा, जिससे कि आपको भविष्य में होने वाली उपज में कम से कम नुकसान उठाना पड़े। देखिए, सरसों की फसल ऐसी है जिसे बहुत प्रकार के बीमारियाँ आती हैं, और जब ये अल्टरनेरिया ब्लाइट के सिम्टम दिखते हैं, पत्तियाँ क्या हो जाती है, पहले देखा होगा आपने छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं, स्पॉट के बीच में रिंग सा दिखाई देता है सफ़ेद रंग का, ये पहचान होती है अगेती झुलसा की। ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, अगर आपने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में बताया कि बीज शोधन करें, बीज शोधन अगर आपने नहीं कर पाया है तो ये आपका अर्ली ब्लाइट जो है इसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एक दवाएं बता रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अगेती झुलसा के लिए सबसे बढ़िया आता है आपका यम मेटालेक्जिल, इनमें से कोई एक कंपाउंड लेकर के तर से इस्तेमाल करेंगे तो आप निश्चित रूप से अगेती झुलसा को बचा सकते हैं। कुछ लोग मैंकोजेब भी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि मैंकोजेब बहुत पुराना हो चुका है, अगर मैंकोजेब भी इस्तेमाल करेंगे तो 2 से 3 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी मिलाकर के इस पर करेंगे तो अगेती झुलसा से बचा जा सकता है।